नमस्कार, मैं रणधीर सिंह परमार, वरदान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ प्रदेश सरकार के विधायक आलोक चतुर्वेदी जी उर्फ पज्जन चाचा जी मौजूद हैं। हम उनके पास, उनके घर आए हुए हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं और उन सवालों के उनसे जवाब लेते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल कि आप जो लोगों की समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करवाते हैं, पिछले कुछ दिनों पुरानी अगर हम बात करें तो आप जगह पर गए, लोगों की जो समस्याएं थी ज़िले के गड्ढों की उन्हें तुरंत निराकरण कराया, उनकी समस्याओं का समाधान कराया, और भी आप अपने घर पर लोगों आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान कराते हैं। इन समस्याओं का समाधान कराने के लिए आपको कितना संघर्ष करना? देखिए, जब जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है तो ये मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि उन्हें हर स्तर पर जाकर वो राहत मिले जो जनता चाहती है। जनसेवक का मतलब ही ये है कि जिस तरह की भी शिकायत आम आदमी को रोज के समय पर जिस भी तरह की है, चाहे वो किसी को राजस्व से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, या यहाँ तक देखें हम कि कुछ दिनों पहले जो आप चर्चा कर रहे हैं मेरे संज्ञान में पत्रकार भाइयों ने ही लाके दी थी कि सड़क पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। चाचा, आपने देखा नहीं है, हमने, मुझे जानकारी नहीं है। तत्काल उसी दिन मैंने निर्देश दिए थे अधिकारियों को बुला के टेलीफोन पे वहीं से कि ये 3 दिन में मुझे शहर में कहीं भी गड्ढा ना दिखाई दे। और अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो निश्चित रूप से हर काम किए जा सकते हैं और कराए जा सकते हैं। ईमानदारी से, साफ नीयत से आप काम करेंगे तो काम कोई नहीं रुकता है। लेकिन अगर हम उसमें अपना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ देखने लगेंगे तो जनता को जो देना है हमको, हम वो फिर जनता के तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और मेरा प्रयास व्यक्तिगत रूप से ये है कि जनता ने मुझे अपना जो सेवक चुना है, जब तक सेवा करने का उन्होंने मौका दिया है, मैं इसी तरह से, मुझे सड़क पे खड़ा होना पड़े, मौके पे देखना पड़े, मुझे उस चीज़ की कोई शर्म नहीं है। मैं वहाँ जाकर, उस जगह पहुँचकर आम जन को जिस तरह से भी राहत दिलवा सकता हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा। सर, एक और सवाल कि कांग्रेस के विधायक की अगर हम बात करें, भिंड से गोहद विधायक रणजीवीर जाटव ने पिछले कुछ दिनों पहले एक आरोप लगाया, कल बबलू शुक्ला जी ने मंत्रियों पे एक आरोप लगाया, इन सब को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक रणवीर जाटव जी की बात है, वो क्यों कह रहे हैं या उन्हें कहाँ परेशानी पड़ी है, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की होगी। रहा सवाल बबलू शुक्ला जी का, बबलू शुक्ला जी हमारे समर्थक दल हैं, वो समाजवादी पार्टी से चुन के हमारे ज़िले से विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी पीड़ा होगी, उन्होंने उस चीज़ को सार्वजनिक किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ सब लोग अपनी पीड़ा बता रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है इसको। जो भी कुछ लोग उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, इस चीज़ का उनको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सर, जहां एक और सरकार या कमलनाथ सरकार लोगों के लिए, प्रदेश के लिए इतना काम कर रही है, वहीं लोगों का ये कहना है और मानना भी है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। योजनाएं लागू जरूर हो रही हैं लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रही, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो प्रचार प्रसार में आगे थे पिछली सरकार वाले, हम लोग प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए सबको ये लगता है कि ये योजनाएं ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जो मुख्यमंत्री जी जितनी तेज़ी से सारी योजनाओं पर क्रियान्वयन के लिए लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें नीचे तक पहुंच रही हैं। थोड़ा सा समय लगता है, अभी 9 महीने हुए हैं, उसमें एक चुनाव लोकसभा का, 3 महीने 4 महीने का लोकसभा के चुनाव का पीरियड भी निकल गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और
जो योजनाओं वहाँ से लागू की गई हैं सबको लाभ मिलेगा उनका। सर विपक्ष की अगर आज हम बात करें, 15 साल बाद विपक्ष हुआ है और विपक्ष अब ये कहता है कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, उस दौरान विधायक कांग्रेस के मंत्रियों का ये सब होना, सरकार को घेरना, आपसी में परिवार में विवाद होना, जैसा कि हमेशा कहा जाता था कि कांग्रेस में एकता की कमी है, इन सब से आने वाले समय में सरकार को कितने नुकसान हो सकते हैं? सरकार को कोई नुकसान नहीं होना है। हमारे पास जो नेतृत्व है प्रदेश में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कमलनाथ जी निश्चित रूप से बहुत अनुभवी और एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, जिनको मैं समझता हूँ कि उनकी राजनीतिक जीवन करीब 40 से 45 वर्ष का है। उनमें वो कला है कि वो सबको कैसे बांधना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो सबको इकट्ठा रखेंगे। अब परिवार के अंदर छुटपुट बातें होती रहती हैं, वो सब बैठ के बड़े नेता लोग उनको ठीक कर लेंगे, इससे सरकार के आने जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सर एक आखिरी सवाल, इस समय अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में पीसीसी अध्यक्ष को लेकर काफ़ी चर्चाएं उठी, बीच में ये भी हुआ कि एक दो दिन में फैसला आ सकता है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के साथ साथ पीसीसी अध्यक्ष का भी पद इस समय संभाले हुए हैं, जहां एक ओर अजय सिंह की चर्चा हो रही थी, जहां एक ओर बाला बच्चन जी की चर्चा हो रही थी, वहीं अचानक सब सिंधिया खेमे से एक आवाज़ उठी कि सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए ये चर्चा शांत हो गई और पीसीसी अध्यक्ष आने वाले समय भी कमलनाथ जी ही रहेंगे, तो क्या आप मानते हैं पीसीसी अध्यक्ष की कमान किसी और को दे देनी चाहिए या कमलनाथ जी ही संभालें? ये बड़ा फैसला है और ये फैसला हाई कमान लेंगे, हाई कमान जो उचित समझेंगे इस पर वो निर्णय लेंगे। ये बात निश्चित है कि सत्ता और संगठन दोनों में अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। समय रहते हुए अभी बहुत समय, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 9 महीने हुए हैं और कुछ समय पश्चात निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व इस पर भी कोई ना कोई फैसला करेगा कि यहाँ किसको अध्यक्ष रहना है और किसको मुख्यमंत्री रहना है। ये जब उनको सोचना है कि क्या करना चाहिए, सब लोग अपने अपने दावे करते हैं और प्रदेश में सबके अपने अपने नेताओं के फॉलोअर्स हैं, वो अपनी अपनी बात उठाते हैं, कोई नेता नहीं कहता है कि मुझे अध्यक्ष बना दिया जाए। अब ये निर्णय हाईकमान ले लेंगे और जिसको अध्यक्ष बनाएंगे, जिसको मुख्यमंत्री बने हैं, हम लोग उनके पीछे चलेंगे। हम लोगों का काम पार्टी में मजबूत करना है, पार्टी के साथ रहना है, हम लोग निरंतर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे हमारे साथ छतरपुर जिले के विधायक, कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी जी पज्जन चाचा, जो कि सबके प्रिय के नाम से, चाचा के नाम से फेमस हैं, और उन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाक तरीके से जवाब दिया, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बात हो, चाहे वो विपक्ष को लेकर बात हो, चाहे उनकी ही पार्टी के विधायकों को लेकर बात हो। इसी की चर्चा, इसी को देखते हुए विधायक जी की सारी जगह बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं और वो अपने लोगों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस में इतना ही, आप देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस, और अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आती हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बैक आइकन करें। थैंक यू।